हेलो फ्रेंड्स, वेब दुनिया कैंपस लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम लोग हाजिर हैं युवाओं से उनके व्यू जानने के लिए, क्या सोचते हैं वो जानते हैं उन्हीं से। मैं गॉड में बहुत बिलीव करती हूँ, इसलिए मुझे राशिफल में अपने आप बिलीव आ जाता है कि हाँ जो लिखा है वो होता है, और मैं अपनी पत्रिका पर बहुत बिलीव करती हूँ कि जो उसमें लिखा है उस हिसाब से मैं करती हूँ। मेरे घर वाले करवाते हैं कि ये तुम्हारी राशि में लिखा है तुम्हें करना चाहिए, तो ऑब्वियस मुझे उसका रिजल्ट मिलता ही है, इसलिए मैं उसमें बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि मुझे गॉड में बहुत बिलीव है। राशिफल पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ना उसमें। एक्चुअली जो राशिफल है उसको मैं सिर्फ फन के लिए बोलती हूँ, मुझे इसमें मतलब अगर हम उसको मानने लगते हैं ना तो हमें लगता है वो माइंड पे इफेक्ट करता है, मेंटली इफेक्ट करता है, और हमें लगता है कि वही हमारे साथ हो रहा है, बट एक्चुअली मैं नहीं मानती और सिर्फ फन के लिए बोलती हूँ। मैं राशिफल में बिलीव नहीं करता, एक्चुअली मैं डेली अपना रूटीन को लास्ट में चेक करता हूँ नाइट में कि क्या इसने जो कहा वो सही था। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, कुछ मेरा डे जैसा निकल जाता है, वैसा कुछ होता नहीं है। ओवरऑल ज्योतिष में बिलीव करते हैं? हाँ थोड़ा। राशिफल दो तरीके से होती है, एक तो आपका जो नाम होता है वो उस वर्ड से और डेट ऑफ बर्थ से, तो दोनों तरीके से अलग अलग होती है, तो आप बिलीव किस पे करोगे आपको यही नहीं पता होता है। और यही कि राशिफल, अब दुनिया में इतने लोग हैं और 12 ही है होती है राशियाँ, तो जैसे लियो है तो लियो में तो दुनिया के कितने लोग हो जाते हैं राशिफल के अकॉर्डिंग, तो लियो अगर सब लोग उसको मानने लगेंगे तो सबके साथ वो तो नहीं होता है जो उसमें दिया होता है, तो मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। आप पढ़ती भी नहीं है? पढ़ती हूँ मैं, बट इज ए फन बस। मैं बिलीव तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। आपने कभी राशिफल नहीं पढ़ा? आपने? नहीं, कभी नहीं। और ज्योतिष पर आपका बिल्कुल भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात राशिफल की, तो ऐसा होता है कि अगर आप गलती से भी पढ़ लेते हो और अगर कोई वो चीज़ अगर हो गई है मान लो कोइंसिडेंटली, तो वो ऐसा लगता है कि शायद वो पढ़ा उससे, तो फिर अपन उस पर धीरे धीरे बिलीव करने लग जाते हैं। तो मेरा मानना ये, मैं नहीं बिलीव करती हूँ और करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ ना मस्ती या मजे के लिए, फन के लिए राशिफल पढ़ना पसंद करते हैं, तो क्या आप उनमें से भी हैं? नहीं नहीं, बस एक ऐसा हो जाता है कि कोइंसिडेंटली कभी ध्यान चला जाए तो, वरना मैं बिलीव भी नहीं करती हूँ और मैं ये मानती भी नहीं हूँ कि किसी को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ उसमें से हो जाती है तो फिर वो उसी पे ध्यान चलने लग जाता है, इसलिए कि वहाँ ऐसा लिखा था। हाँ, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए मैं मानती नहीं हूँ उन चीज़ों को। राशिफल में मैं विश्वास करता हूँ लेकिन उतना विश्वास नहीं करता, थोड़ा विश्वास करता हूँ कि हमारी जो दिनचर्या होती है वो मतलब होरोस्कोप के हिसाब से हम तय कर सकते हैं। ओके, तो आप मतलब डेली राशिफल पढ़ते हैं? हाँ जी, डेली राशिफल पढ़ते हैं, उसको थोड़ा बिलीव करता हूँ मैं, उतना तो नहीं करता और जाना करना भी नहीं चाहिए। राशिफल तो वैसे मैं फन के लिए सिर्फ पढ़ती हूँ और मैं उस पर बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग होते हैं, अब सिर्फ 12 राशियाँ हैं, उसके हिसाब से सारे लोग थोड़ी चल सकते हैं, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, सब अलग तरीके से चलते हैं, तो मैं नहीं मानती इस चीज़ को। राशिफल अगर आप बिलीव करोगे तो वो होता है, या ना करो तो वो अपने ऊपर अपना माइंड सेट है। कुछ लोगों का माइंड सेट होता है कि अगर वो राशिफल देखते हैं और मतलब वो चीज़ ना भी होती हो ना, तो उनके दिमाग में वो चीज़ इतनी सेट हो जाती है कि वो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर देते हैं कि अगर कुछ गलत होने वाला होता है तो गलत हो जाता है, सही होने वाला है तो सही हो जाता है। पर हम लोग उसे पढ़कर सुधार भी सकते हैं। हम लोग उसे पढ़ के सुधार सकते हैं, बट वो हमारे बिलीफ पर डिपेंड करता है। लाइक मैं नहीं मानती राशिफल में, मैं चाहती हूँ जो मेरी डेस्टिनी है वो होगी, मतलब मैं कुछ पढ़ के अपना फ्यूचर देख के या फ्यूचर के बारे में जान के अपने पूरी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जो मेरे सामने आना है वो इंस्टेंटली आए बगैर मेरे जाने, तो मुझे राशिफल पे तो बिलीव नहीं है।